नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में हैं और हम लोग लाइफस्टाइल सीरीज पे हैं। अगर आपको अब तक बताई हुई लाइफस्टाइल एडवाइसेस अच्छी लग रही हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आप तक नई इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात करी कि एक्सरसाइज से पहले हम लोग कैसे किस सेटिंग्स में एक्सरसाइज को करें, गलत ब्रीदिंग पैटर्न क्या होती है, राइट ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, अपनी गलत ब्रीदिंग को राइट ब्रीदिंग में कैसे कन्वर्ट करें, फिर बात आती है प्राणायाम की। जैसा कि मैंने बताया, प्राणवायु जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड है। सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारी बॉडी जो दिखती है इसको आयुर्वेद में कहा गया है अन्नमयी कोश, जो अन्न से चलता है। मैं चूंकि डॉक्टर हूं और फिजियोलॉजिस्ट हूं, फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, सो मैंने किताब में इसको डिफाइन किया हुआ है। ये ग्रोस मटेरियल बॉडी है, स्ट्रक्चरल बॉडी है जो एनाटॉमी में पढ़ाई जाती है। सूक्ष्म शरीर क्या है इसको भी फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी में ये कहा जाता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम पे चलती है जिसको सम टोटल कहा जाता है, बायोकेमिकल बायोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो सारे बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और बॉडी एक परफेक्ट हार्मनी में रहती है, जिसको होम्योस्टेसिस क्लॉड बर्नार्ड ने नाम दिया। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी एक सम बैलेंस में रहती है। सम बैलेंस का मतलब जैसे आप यूं समझ लें कि एक तुला है, एक वेइंग स्केल है, प्लस और माइनस दो इसके पहलू हैं। प्लस मतलब एक्सेस में जाना, नेगेटिव मतलब माइनस में चला जाना। एनाबॉलिक प्रोसेसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस को बैलेंस में रखने का काम सम होना है। इसको फ्रेंच वर्ड होम्योस्टेसिस यूज किया गया क्लॉड बर्नार्ड द्वारा। नाउ हमारे यहां इसको कहा गया कि कैसे हम अपने शरीर को सम रखें, और हमारे जो ज्ञानी फोर फादर्स थे उनमें पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा, उन्होंने इसकी एक टेक्निक खोजी जिसका नाम था योग। योग के अष्टांग योग, आठ अंग थे, जिसमें सबसे पहला था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। सो अपने को योगी कहना बहुत आसान है, लेकिन ये काम करना बहुत मुश्किल है। अपने को नियम में हम लोग नहीं बांध पाते हैं, हम योगी बनने की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, ये अलग डिस्कशन है। हम आज ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, योग का एक अंग प्राणायाम की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर यानी कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल बॉडी हमारे केमिकल्स को कंट्रोल करती है, ये प्राणवायु है। इसके आयुर्वेद में तीन मेन प्राणवायु बताई गई, अपान, व्यान, उदान, ये तीन मिला करके प्राण बनते हैं। इन प्राणों को सम करने के लिए कई तरीके के प्राणायाम बताए गए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप बहुत डिटेल्स में जाएं, आप केवल एक प्राणायाम करें जो आपको सम रखेगा, ना प्लस में जाने देगा ना माइनस में जाने देगा। प्लस में जाएगा तो आपको कफ जनित रोग हो जाएंगे, होम्योपैथिकली स्पीकिंग आपको साइकोटिक फिनोमेना ऑफ डिजीज हो जाएगा। निगेटिव में जाएंगे तो आपको पित्त के रोग हो जाएंगे, पित्त विकार हो जाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से। होम्योपैथिकली स्पीकिंग आपको सिफिलिटिक फिनोमेना ऑफ डिजीज हो जाएगा। सो ना आप कफ विकार की तरफ जाएंगे, ना आप पित्त के विकार की तरफ जाएंगे, ना आपको वायुजनित विकार होंगे अगर आप सम रहेंगे। इसलिए प्राणायाम आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है।
प्राणायाम की बहुत टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, मैं आपको रियल प्राणायाम की टेक्निक सिखाता हूँ। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपकी ब्रीदिंग करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट ब्रीदिंग क्या है ये मैं पहले आपको बता दूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। जब अपने पहले ब्रीदिंग चेक करने के लिए आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे, जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर जाएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। जब आप प्राणायाम के लिए बैठेंगे, सबसे आसान तरीका सुखासन होता है। सुखासन में बैठा हूं, स्ट्रेट बैठेंगे, कंधे रिलैक्स्ड होंगे, स्पाइन सीधी होगी, मेरुदंड सीधा होगा, स्पाइन सीधी होगी। अगर आपको घुटनों में दर्द होता है तो आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। अगर आपकी स्पाइन में दर्द होता है तो आप दीवार से टेक लगा करके बैठ सकते हैं। सीधे बैठे, इसके बाद आपको अपनी ब्रीदिंग चेक करनी होगी। आज इस समय आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है? आज इस समय आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है? यानी कि ये दो जो नासिका हैं, लेफ्ट और राइट, इनमें कौन सी नाक खुली हुई है? आप चेक करके देखिए तो आप पाएंगे कि एक नाक ज़्यादा खुली होती है, एक नाक कम खुली होती है। मैं चूंकि रेगुलर प्राणायाम करता हूँ, अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम मैं करने जा रहा हूँ इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। मैं चूंकि रेगुलर अनुलोम विलोम करता हूँ तो मेरी नॉर्मली दोनों नाक बराबर खुली रहती हैं, सम रहती हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आज इस नाक से एयर कम पास हो रही है, 90% पास हो रही है, इस नासिका से, लेफ्ट नासिका से 100% पास हो रही है। बिल्कुल, तो लेफ्ट वाली 100% खुली हुई है, राइट वाली 90% खुली हुई है। अब पहला काम मुझे क्या करना होगा? ये पहला मूवमेंट होगा, ये पहली सांस, इंस्पिरेशन। एक्सप्रेशन, ये एक हो गया। दूसरा इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, तीसरा इंस्पिरेशन। एक्सप्रेशन तीसरा, चौथा इंस्पिरेशन, पांचवा इंस्पिरेशन, छठा, बस मैं छह ही करूंगा। अब इसी नाक से उल्टा ले जाऊंगा। अब ये दूसरी तरफ का पहला इंस्पिरेशन, यानी कि राइट साइड का पहला,
राइट साइड का दूसरा, छह हो गए। अब लेफ्ट साइड का पहला, अब राइट साइड का पहला, एक बार और करेंगे। तो इस तरह से तीन सेट, छह मात्रा लेफ्ट, छह मात्रा राइट, ये हो गई 12 मात्रा हो गई एक सेट की। 12 मात्रा के तीन सेट, इतना ही अनुलोम विलोम आपके लिए काफ़ी होता है। अनलिमिटेड अनुलोम विलोम करने का कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना समय वेस्ट करते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम ऐसे करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके बॉडी के सिस्टम्स जितने भी ऑटोनॉमिक सिस्टम हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम्स, वो नॉर्मल चलते रहेंगे और आप साथ ही साथ इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी सेटल हो जाएगी एंड यू वुड स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। हर्ष के संग आज बस इतना ही, धन्यवाद।